तो चलो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ इस तरीके से देखा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ जावा, जावा की हिस्ट्री हमने देखी थी इंट्रोडक्शन में। उसमें हमने देखा था कि जावा डेवलप क्या होता है, जावा रनटाइम एनवायरनमेंट क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन क्या होता है, ये हमने देखा था। देन आफ्टर दैट हमने देखा था फीचर्स ऑफ जावा, जावा के क्या फीचर्स है। हमने देखा था कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसके प्लेटफॉर्म पे रन कर जाती, वो एक कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है जिसका नाम है राइट वंस एंड रन एनीवेयर, राइट वंस एंड रन एनीवेयर, ये इस कॉन्सेप्ट पे जो है जावा पेस्ट करती है। ठीक है, हमने देखा था, हमने देखा था कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। जावा क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये जो है सभी प्रॉब्लम्स को इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स को देखती है और उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। ठीक है, हमने देखा था कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैरामीटर प्लेस्ड है और साथ ही साथ ये एनकैप्सुलेशन को सपोर्ट करता है, एब्स्ट्रैक्शन को सपोर्ट करता है, इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ ये पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करता है। ठीक है, और ये सब हम अचीव कर सकते हैं यूजिंग द क्लासेस एंड द ऑब्जेक्ट्स, ये हमने देखा था। जावा सिंपल और फैमिलियर है क्योंकि इसका सिंटैक्स जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है C++ के जैसे, तो इसका सिंटैक्स सिमिलर होने की वजह से ये बहुत इजी हो जाता है प्रोग्रामर को समझने के लिए। उसके बाद हमने देखा कि जावा रोबस्ट है। इसमें हमने देखा था कि जावा स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट सपोर्ट करता है बाय यूजिंग द गार्बेज कलेक्शन, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग को भी सपोर्ट करता है, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग को भी सपोर्ट करता है, स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग को भी सपोर्ट करता है और एरर्स को रिड्यूस करने के लिए भी हमें हेल्प करता है। वो भी हम देखेंगे किस तरीके से हम एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग द एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद हमने देखा था मल्टी थ्रेडेड। जावा मल्टी थ्रेडेड है, ये एक से ज्यादा थ्रेड को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये हमने देखा था। ठीक है, थ्रेड्स जो होते हैं वो लेस मेमोरी कंज्यूम कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द टास्क, टास्क हैवी मेमोरी कंजप्शन करते हैं, वही पे थ्रेड जो होते हैं वो लेस मेमोरी कंजप्शन करते हैं। और एक चीज आपको याद रखनी कि थ्रेड साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं प्रोग्राम के साथ। उसके बाद हमने देखा था कि जावा सिक्योर है, इसका एनवायरमेंट सिक्योर है। ठीक है, जावा पोर्टेबल है, ये हमने देखा था, ये डिफरेंट हार्डवेयर पे आसानी से वर्क कर जाती है और ऑल्सो ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को भी सपोर्ट करती है। उसके बाद हमने देखा था कि जावा डायनामिक है, ये डायनामिकली क्लासेस को लोड करती है। अब ये क्लासेस क्या होते हैं वो हम आगे क्लास में देखेंगे। ठीक है, रिच एपीआई को जावा सपोर्ट करता है जिसमें वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को जावा सपोर्ट करता है और कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज को भी ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। ये सब होने के बाद हमने देखा था कि किस तरीके से हम जो है जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर दैट जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल करने के बाद हमने देखा था कि सिंपल जावा प्रोग्राम किस तरीके से लिखा जाता है। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं, ठीक है, आज के क्लास में हम देखने वाले हैं, आज जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है बेसिक सिंटैक्स, ठीक है, एंड डेटा टाइप्स। बेसिक सिंटैक्स एंड डेटा टाइप्स हम आज देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमें देखना है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक सिंटैक्स, सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स का मतलब होता है लिखने का तरीका। जावा में कुछ सिंटैक्स जो है आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक सिंटैक्स। इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं कमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? कमेंट्स, कि हम जावा में कमेंट्स किस तरीके से दें। जावा में कमेंट्स का यूज करना बहुत आसान होता है, यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, ओप्स, हाँ, तो जावा में कमेंट्स किस तरीके से देते हैं? जावा में सिंगल लाइन कमेंट अगर आपको यूज करना है तो डबल फॉरवर्ड स्लैश का आपको यहाँ पे यूज करना पड़ता है, फॉर सिंगल लाइन कमेंट। अब कमेंट का मतलब क्या होता है? कमेंट का मतलब होता है वो पार्ट ऑफ कोड जो सिर्फ डेवलपर के काम में आता है, प्रोग्राम के काम में नहीं। वो सिर्फ डेवलपर को समझने के काम में आता है कि किस तरीके से प्रोग्राम जो आपका रन होने वाला है या फिर ये किस तरीके से पर्टिकुलर कोड जो है वर्क करने वाला है। तो कमेंट सिर्फ यूजर रीडेबल होता है, ना कि मशीन रीडेबल। तो मशीन उसे रीड नहीं करती, उसे इग्नोर कर देती है। तो जावा कंपाइलर उसे इग्नोर कर देता है, उस कोड को रीड नहीं करता है। उसके बाद अगर आपको जब मल्टी लाइन कमेंट देना हो तो उसके लिए आपको फॉरवर्ड स्लैश देन स्टार या आपको यूज करना है। इसके बाद यहाँ पे आप जो मल्टी लाइन कमेंट देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कमेंट दे सकते हैं। अब इसे क्लोज करने के लिए यहाँ पे आपको स्टार यूज करना पड़ेगा देन फॉरवर्ड स्लैश। ये एक बेसिक तरीका होता है मल्टी लाइन कमेंट का। सिंगल लाइन कमेंट का आपको देना है तो डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज कीजिएगा, और मल्टी लाइन कमेंट यूज करना है आपको तो फॉरवर्ड स्लैश के बाद जो स्टार आता है उसके अंदर इसे इनक्लोज करना है। सिमिलरली यहाँ पे फिर स्टार के बाद फॉरवर्ड स्लैश आपको देना है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये मल्टी लाइन कमेंट होता है। मतलब एक से ज्यादा लाइन आपको लिखनी है कमेंट में तो उसके लिए आप मल्टी लाइन यूज कर सकते हो, लिखनी है
तो सिंगल लाइन कमेंट कॉपी या फिर इसका शिफ्ट बैलेंसिंग का डबल फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। उसके बाद हम देखने वाले हैं जावा पैकेजेस। अब ये क्या होता है वो हम बहुत आगे का टॉपिक है, लेकिन एक एग्जांपल दो, ठीक है। पैकेजेस जो होते हैं वो मेनली यूज किया जाता है क्लासेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए। पैकेजेस आर यूज टू ऑर्गेनाइज क्लासेस। तो क्लासेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ पे किसका यूज किया जाता है, पैकेजेस का यूज किया जाता है, ठीक है। इसे आप डिक्लेयर कर सकते हो विद कीवर्ड, डिक्लेयर्ड विथ कीवर्ड की मतलब एक इंपॉर्टेंट वर्ड, मतलब वो इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक कीवर्ड जो है उसके थ्रू आप इसे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। और वो कीवर्ड है पैकेज। वो क्या है, पैकेज। ये पैकेज नाम का कीवर्ड हमें यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये पैकेज नाम का कीवर्ड जो है हमें पैकेजेस को ऐड करने के लिए हेल्प करता है। इसके बाद थर्ड हमें जो देखना है वो कुछ इस तरीके से है, वो है क्लासेस। वो क्या है, क्लासेस। तो क्लासेस हम यहाँ पे देखेंगे। क्लासेस जो होते बेसिक ब्लू प्रिंट होते फॉर ऑब्जेक्ट। क्लासेस आर द ब्लू प्रिंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओपनिंग फॉर ऑब्जेक्ट। तो क्लासेस जो होते हैं बेसिक ब्लू प्रिंट्स होते हैं किसके लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वो इंस्टेंस होते हैं क्लासेस के। अब ये हम देखेंगे जब हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट वाला सेपरेट टॉपिक जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्लासेस को डिफाइन करने के लिए आप यूज करना होता है, वी यूज क्लास कीवर्ड टू डिफाइन अ क्लास। अगर आपको एक क्लास को डिफाइन करना है तो उसके लिए हमें क्लास कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में हम लिखते हैं अपने ए डॉट सी डॉट, वो कुछ इस तरीके से क्लास मेन, एक मेन क्लास आपने डिफाइन किया, ठीक है। अब ये मेन क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे कि ऑब्जेक्ट क्या क्या तरीका चीजें कर सकता है, क्या क्या चीजों को होल्ड करके रख सकता है, ये मेन में बताया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। फोर्थ आपको देखना है वेरिएबल्स। फोर्थ आपको क्या देखना है, वेरिएबल्स। व्हाट आर द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स वो चीज होती है जिनकी वैल्यू रन टाइम में चेंज होती रहती है। वेरिएबल्स वो होती है जिनकी वैल्यू रन टाइम में चेंज होती है। बेसिकली वेरिएबल्स को सिंपल लैंग्वेज में कहा जाता है रिजर्व मेमोरी लोकेशन। इसको क्या कहा जाता है, रिजर्व मेमोरी लोकेशन या लोकेशंस, क्योंकि एक से ज्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। क्यों, वेरिएबल्स जो होते हैं किसी ना किसी वैल्यू को होल्ड करके रखते हैं। तो वो जो किसी वैल्यू को होल्ड करके रखते हैं तो वो वैल्यू जो है कुछ ना कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई करती है। तो मेमोरी जब वो ऑक्यूपाई करती है तो आपके जो मेमोरी होती है, दैट इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर रीड ओनली मेमोरी, वहां पे कुछ सेट ऑफ डेटा को वहां पे वो होल्ड करके रखती है। तो यहाँ पे ये रीजन है कि मेमोरी जो होती है वो रिजर्व की जाती है इसके लिए, वेरिएबल्स के लिए। अब वो वेरिएबल्स किस टाइप के हो सकते हैं वो हम आज के क्लास में देखेंगे, ठीक है। अब वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए एक बेसिक तरीका होता है। सबसे पहले आपको उस वेरिएबल का डेटा टाइप मेंशन करना है। पहले आता है डेटा टाइप, सेकंड वेरिएबल नेम, ठीक है। थर्ड आता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, आप कौन सी वैल्यू से असाइन करना चाहते हो। वेरिएबल उस टाइम पे कोई वैल्यू को होल्ड भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा टाइप सबसे पहले आएगा, देन वेरिएबल नेम आता है। यहाँ पे हम कंबाइन लिखेंगे इसे, सबसे पहले डेटा टाइप, सेकंड वेरिएबल नेम, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड द वैल्यू। वैल्यू वो स्ट्रिंग हो सकती है, वो नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी वैल्यू एंड एट द एंड पे हम लगाएंगे सेमी कॉलन। एट द एंड हम क्या लगाएंगे, सेमी कॉलन, ठीक है, ये एक है। अब यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट हमें जो देखना है वो कुछ इस तरीके से, वो है मेथड्स। वो क्या है, मेथड्स, ठीक है। मेथड्स के बारे में आपको पहले ही बताया था। मेथड्स का मतलब होता है वो तरीका जिससे आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। मेथड जनरली कंटेन्स एंड इंस्ट्रक्शन। मेथड में क्या रहता है, इंस्ट्रक्शन रहता है। वो इंस्ट्रक्शन जो है वो पर्टिकुलर मेथड फॉलो करती है, या फिर इसका आप सिंपली डिपेंड कर सकते हो, अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके को हम क्या कहते हैं, मेथड कहते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं मेथड को डिफाइन करने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे कॉमनली तरीका जो होता है वो यहाँ पे इस तरीके से होता है, एक मेथड का जो नेम होता है वो हम मेंशन करते हैं
एंड देन आफ्टर दैट पैरेंथेसिस, ये इस तरीके से। और उसके बाद उस मेथड की बॉडी होती है, उसके बाद उस मेथड की क्या होती है, बॉडी, ठीक है। ये मेथड नेम है, ये उसके जो है, यहाँ पे आप कुछ पैरामीटर अगर आपको पास करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है, आर्गुमेंट्स आपको पास करना तो कर सकते हो, तो यहाँ पे इसका आप यूज कर सकते हो। और ये जो है आपके, ये मेथड की बॉडी है। अब ये मेथड क्या काम करेगा, ये इस बॉडी के अंदर डिफाइन किया जाता है, मेथड क्या काम करेगा इस बॉडी के अंदर डिफाइन किया जाता है। तो इस तरीके से आप मेथड्स को जो है डिफाइन कर सकते हो। ये एक बेसिक सिंटैक्स है मेथड्स को लिखने का, ठीक है। सबसे पहले आपका मेथड नेम आएगा, ठीक है, देन आफ्टर दैट मेथड के या पैरेंथेसिस वाला हिस्सा जहाँ पे आप कुछ वैल्यूज को पास करते हो, और सेकंड जो है ये बॉडी, जहाँ पे मेथड उस वैल्यूज को या फिर अपने हिसाब से कुछ एक्शन परफॉर्म करना है तो कर सकती है। इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, सम मेथड्स में रिटर्न अ वैल्यू, कुछ मेथड जो है वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। कुछ मेथड जो है वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं, जैसे ये मेथड जो है, मेथड नेम, ये इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर सकती है। तो इसके पहले यहाँ पे मैंने इंट लिखा है, इंट मेथड नेम देन मेथड बॉडी, तो इंट ये कहलाया जाता है, ये मेथड कुछ वैल्यू को रिटर्न कर सकता है, ये आपको याद रखना है। इसे मैं यहाँ से क्लोज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद सिक्स पॉइंट हमें देखना है, ठीक है, सिंटेक्स में, वो है स्टेटमेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट का मतलब होता है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बताया जाए तो स्टेटमेंट्स परफॉर्म्स एन एक्शन। स्टेटमेंट क्या परफॉर्म करते हैं, एक एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब वो एक्शन कुछ भी हो सकता है, टिपिकली एंड्स विथ सेमी कॉलन। तो जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो सेमी कॉलन से एंड होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंट ए इक्वल्स टू 10, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, वो स्टेटमेंट जो यहाँ पे आप देख सकते हो सेमी कॉलन से एंड हुई है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमें बताती है, जहाँ पे मैं अगर इस तरीके से लिखूँ तो ये सिंगल लाइन कमेंट हो जाता है। सिंगल लाइन कमेंट तभी काम करता है जब आप डबल फॉरवर्ड स्लैश देते हो, डबल फॉरवर्ड स्लैश के पास जो कुछ भी लिखा जाएगा उसे कंसिडर किया जाएगा एज अ कमेंट। जब तक आप न्यू लाइन ब्रेक नहीं देते हो तब तक उसे कमेंट कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे मेरा मतलब ये है, एक इंटीजर वेरिएबल जो है वो डिफाइन किया, एक ए नाम का वेरिएबल जो है डिफाइन किया गया जो कि एक इंटीजर वैल्यू को होल्ड करता है, और वो वैल्यू है 10, ठीक है। ए होल्ड्स इंटीजर वैल्यू दैट इज 10, ए जो है होल्ड कर रहा है एक इंटीजर वैल्यू को जो कि कितनी है 10 है, तो ये 10 वैल्यू को जो है होल्ड करके रख रहा है, ठीक है। ये इंटीजर एक डेटा टाइप है, ए इज एन वेरिएबल नेम, इक्वल्स ऑपरेटर यहाँ पे आपको जो दिखता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, यहाँ पे आपको ये जो 10 दिख रहा है ये 10 वो वैल्यू है जो इस वेरिएबल में असाइन की जा रही है। असाइनमेंट राइट टू लेफ्ट होता है, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। ये होता है स्टेटमेंट। हर एक स्टेटमेंट जो होती है वो सेमी कॉलन से एंड होती है, हर एक स्टेटमेंट किससे एंड होती है, सेमी कॉलन से एंड होती है। एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट आप अपने कोड में यूज कर सकते हो, ठीक है। अब सेवंथ आपको याद रखना है कुछ इस तरीके से, कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो जावास्क्रिप्ट, सॉरी जावा जो है कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, विच इंक्लूड्स, यहाँ पे आपको इंक्लूड किया जाएगा इफ एल्स स्टेटमेंट्स, ये आपको इंक्लूड किया जाता है इसमें। सेकंड जो इसमें लूप्स इंक्लूड किए जाते हैं, लूप्स में आपको फॉर लूप देखने को मिलेगा, व्हाइल लूप देखने को मिलेगा, डू व्हाइल लूप देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड देन आफ्टर दैट आपको स्विच केस देखने को मिलेगा, जो कि हमने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में पढ़े हैं, क्या पढ़े, स्विच केस। तो यहाँ पे आपको स्विच केस देखने को मिलता है, स्विच करोगे आप पर्टिकुलर केस पे, यहाँ पे स्विच पे आपकी कंडीशन होनी चाहिए और वो केस उस कंडीशन से मैच होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑल ऑफ दिस आर यूज फॉर कंडीशनल और फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग कंडीशन से। अच्छा,
फिर डिसीजन मेकिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। डिसीजन मतलब मुझे कोई निर्णय लेना है, तो निर्णय लेने के लिए जिसके एक से ज्यादा आउटकम आते हैं, तो ऐसे वक्त में मैं यहाँ पे किसका यूज कर सकता हूँ, इन कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज कर सकता हूँ, जो कि मुझे डिसीजन देने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, और कुछ जो कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं वो मुझे लूपिंग के लिए भी हेल्प करते हैं, एंड इटरेशन, इटरेशन के लिए भी हेल्प करता है। इटरेशन का मतलब होता है किसी चीज को बार बार रिपीट करना। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने पहले इसमें वन लिखा हूँ, पहले लाइन में वन लिखा हूँ, दूसरे इसमें भी वन, तीसरे इसमें भी वन, फोर्थ इसमें वन, फिफ्थ इसमें भी वन, तो मैंने फाइव टाइम्स तक एक ही चीज लिखा है, मतलब मैंने फाइव टाइम एक ऐसा काम किया जो रिपीट हो रहा है। तो ये मैं खुद से लिखने के बगैर मैं एक लूप का यूज करूंगा, जिसे मैं कहूंगा कि फाइव टाइम्स तक आपको क्या करना है, ये स्टेटमेंट लिखनी है, जो कि हम पढ़ेंगे लूपिंग स्टेटमेंट्स में। ठीक है, इसके बाद हमें जो लास्ट पॉइंट पढ़ना है वो है मॉडिफायर्स। वो क्या है? मॉडिफायर्स, मॉडिफायर्स, तो मॉडिफायर्स हमें देखना है। अब इसके नाम से ही समझ में आता है मॉडिफायर्स क्या करता है, बेसिकली मॉडिफाई करता है, किसे मॉडिफाई करता है, किसी भी चीज को, वो वैल्यू हो सकती है, डेटा टाइप हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी चीज का एक्सेस भी हो सकता है। ठीक है, इसमें मॉडिफायर्स में इंक्लूड किया गया है एक्सेस मॉडिफायर्स। ठीक है, इस एक्सेस मॉडिफायर में पब्लिक है, प्राइवेट है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड है। वो क्या है? प्रोटेक्टेड, या दीज आर द एक्सेस मॉडिफायर। ये क्लास के जो मेंबर्स होते हैं ना, ये बाहर के लोगों के लिए अवेलेबल है या फिर नहीं होने चाहिए, ये स्पेसिफाई करते हैं। दीज आर द एक्सेस मॉडिफायर, मतलब ये किस चीज को इसका एक्सेस है। ठीक है, इसके बाद अदर मॉडिफायर्स भी आते हैं, अदर मॉडिफायर्स इंक्लूड्स करेंगे इसमें। यहाँ पे आता है फाइनल और एक आता है स्टैटिक। जावा के प्रोग्राम में हमने स्टैटिक वर्ड जो था यूज किया था, अगर आपको याद होगा, जावास्क्रिप्ट में आप किसी वेरिएबल को अगर कांस्टेंट डिफाइन करना था तो वहां पे आप लिखते थे कांस्ट। वहां पे आप क्या लिखते थे? कांस्ट, CONST, कांस्ट। कांस्ट का मतलब होता है कि अब वो वेरिएबल अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगा। ठीक है, वही पे जावा में अगर इसे आपको डिफाइन करना है तो इस कांस्ट का अल्टरनेटिव यहाँ पे हम यूज करते हैं फाइनल। एक बार मैंने फाइनल कर दिया कि ये इसी वैल्यू को होल्ड करने वाला है, देन अपनी वैल्यू कभी चेंज नहीं करेगा। दैट्स द फाइनल स्टेटमेंट आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, एक फाइनल है और एक स्टैटिक है, जो कि हम आगे के प्रोग्राम्स में देखने वाले हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या है, ये जो हमने एक्सेस मॉडिफायर यूज किए इनका काम क्या है? एक्सेस मॉडिफायर जो होते हैं वो डिफाइन करते हैं एक्सेस, दे डिफाइंस एक्सेस। सबसे पहले एक्सेस लेवल डिफाइन करते हैं, किसको कितना एक्सेस मिलना चाहिए। ठीक है, बिहेवियर डिफाइन करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासेस को डिफाइन करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासेस, जो कि हम देखने वाले हैं। ये क्लासेस के साथ साथ मेथड्स को भी एक्सेस डिफाइन करते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली वेरिएबल्स का भी। ठीक है, जो कि हम अभी देखने वाले थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये कुछ जो है बेसिक सिंटैक्स एंड डेटा टाइप्स का, हमने सिर्फ सिंटैक्स पोर्शन देखा है कि सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, लिखने का तरीका। तो जावास्क्रिप्ट में अलग अलग चीजों को लिखने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आपको कमेंट्स लिखना है तो कमेंट्स लिखने के लिए ये तरीका आपको यूज करना है। अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट चाहिए तो डबल फॉरवर्ड स्लैश, आपको मल्टी लाइन कमेंट चाहिए तो यहाँ पे आपको फॉरवर्ड स्लैश के बाद स्टार लगाना पड़ता है, और बाद में स्टार के बाद फॉरवर्ड स्लैश। इसका मतलब होता है कि इस दो स्टेटमेंट के बीच में अगर आप कुछ भी लिखते हो तो उसे मल्टीपल लाइन कमेंट कंसिडर किया जाएगा। सेकंड, पैकेजेस। पैकेजेस वो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं जहाँ पे क्लासेस को ऑर्गेनाइज किया जाता है। पैकेजेस वो बॉक्सेस होते हैं जहाँ पे क्लासेस को क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास एक से ज्यादा क्लासेस होते हैं। ठीक है, अब कुछ अलग अलग प्रोग्राम जो अलग अलग क्लासेस का यूज करते हैं, तो हमें कैसा पता चले कि इसमें जो फंक्शन है वो हमारा फंक्शन है या किसी और का, तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं यहाँ पे, क्लासेस का। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जब हम पैकेजेस की तरफ जाएंगे तब देखेंगे इसको, ऑलमोस्ट दो दिन तक लग जाएंगे सीखने में। ठीक है, तो पैकेज को डिफाइन करने के लिए आपको कीवर्ड का यूज करना पड़ता है जिसका नाम है पैकेज। क्लासेस को डिफाइन करने के लिए आपको कीवर्ड का यूज करना पड़ता है क्लास। अब ये क्लासेस क्या है, क्लासेस बेसिकली ब्लूप्रिंट्स है। क्लासेस बेसिकली क्या है? ब्लूप्रिंट्स। किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट के क्या प्रॉपर्टीज होंगे, ऑब्जेक्ट किस तरीके से बिहेव करेगा, ये सब बताता है हमें कौन? क्लासेस। ठीक है, तो क्लासेस यहाँ पे बताते हैं, तो हम क्लासेस का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए। ठीक है,
तो क्लास का अगर आपको डिफाइन करना है तो आपको यूज करना पड़ता है क्लास कीवर्ड का, उसे कीवर्ड का यूज करना पड़ता है क्लास कीवर्ड का। हाँ सॉरी सर बीच में इंटरप्ट करने के लिए, पर क्लास कब स्टार्ट हुई है मुझे लिंक ही नहीं आई है। और हम क्लास लगभग 10:20 पर स्टार्ट हुई है, 10:23 पे आई थिंक। हाँ तो सर आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ऊपर ले सकते हैं क्या, मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग कर देता हूँ ना, क्या मुझे आसानी होगी थोड़ी फिर। वैसे भी रोहन ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये यहाँ से लाइन नंबर 46 से लेके, हाँ लाइन नंबर 46 से हमने स्टार्ट किया है। ओके ठीक है, एक मिनट सर। हाँ एक मिनट, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल साइड छोटा कर लेते हैं। ओके एक सेकंड सर, हो रहा है। और डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है, हालांकि डेटा टाइप्स को हमने तो अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे डेटा टाइप्स को। ठीक है, थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेते हैं रीडेबिलिटी के लिए। तो आप देख सकते हैं हमने पैकेजेस के बारे में देखा, हमने क्लासेस के बारे में देखा, वेरिएबल्स हम देख रहे हैं। वेरिएबल्स क्या करते हैं, बेसिकली एक मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करके रखते हैं, मतलब वो पर्टिकुलर वेरिएबल किसी पर्टिकुलर वैल्यू को होल्ड करके रखते हैं मेमोरी लोकेशंस में। जैसे आपका कंपोस्ट बॉक्स आपके अलग अलग चीजों को होल्ड करके रखता है। ठीक है, सिमिलरली जो आपकी रैम होती है वहां पे वेरियस एड्रेस होते हैं, उस किस एड्रेस में क्या प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब वो तो हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम यहाँ पे किसका यूज करते हैं, वेरिएबल्स का यूज करते हैं। देखो मेमोरी एड्रेस को जानना वो थोड़ा दिक्कत वाला काम होता है, C++ में ये खासियत थी क्योंकि उसमें हम पॉइंटर्स का यूज करते थे, रेफरेंस का यूज करते थे, जिसकी वजह से वो पॉसिबल होता था। जावा तो इसे सपोर्ट नहीं करता, पॉइंटर्स को सपोर्ट नहीं करता है, तो इसलिए यहाँ पे जो है आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। खैर, तो रिजर्व मेमोरी लोकेशंस के लिए हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं, और वेरिएबल को डिपेंड करने का तरीका इस तरीके से है। सबसे पहले आपको डेटा टाइप को मेंशन करना है, देन आफ्टर दैट वेरिएबल नेम आपको स्पेसिफाई करना है, इक्वल टू ऑपरेटर के बाद आपको वेरिएबल की वैल्यू को असाइन कर देना है। याद रखिएगा ये जो तरीका है ये मैंने अभी फिलहाल शॉर्ट में बताया, इसके बाद हम डिटेल में देखेंगे किस तरीके से वेरिएबल के नेम को हम डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से उसका प्रॉपर डेटा टाइप हमें सिलेक्ट करना है, और किस तरीके से उसकी वैल्यू असाइन करनी है। याद रखिएगा डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है कि वो किस तरीके की वैल्यू को होल्ड करने वाला है, मतलब ये वेरिएबल किस तरीके की वैल्यू को होल्ड करने वाला है। अगर आप डेटा टाइप डिफरेंट लेते हो, उसकी वैल्यू आप डिफरेंट यूज करते हो, देन हाई चांसेस है कि यहाँ पे आपका जो प्रोग्राम जो है क्रैश होगा, क्योंकि एक डेटा टाइप दूसरे डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू को होल्ड नहीं कर सकता है। वो भी हम देखेंगे किस तरीके से हम उनकी टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, टाइप कास्टिंग भी अपने इसमें अलाउड है। तो देखिए मेथड्स का मतलब होता है लिखने का तरीका, मेथड्स का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को करने का। प्रॉब्लम किसी मेथड्स को अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, फंक्शन के नाम से जाना जाता है। A method generally contains an instruction. एक method में generally क्या होता है? Instruction होता है। ठीक है? एक लिखने के तरीके को भी हम generally क्या कहते हैं? Method ही कहते हैं या फिर function कहते हैं। कुछ methods जो है कुछ value को return करते हैं, कुछ methods जो कुछ value को return नहीं करते। ऐसा एक method है हमारे पास जो किसी value को return नहीं करता, जिसे हम कहते हैं constructor। Constructor वो चीज होती है जो किसी भी value को return नहीं करती है, जो कि हम देखेंगे आगे के क्लास में। इसे हम रिमूव करते हैं। चलिए स्टेटमेंट्स की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट्स बेसिकली किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम लिखते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट एक एक्शन परफॉर्म करते हैं, और जनरली किसी भी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए सेमीकोलन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सेमीकोलन का। जैसे यहाँ पे एक लाइन में लिख के देखिएगा, इंट ए इक्वल्स टू 10, एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पे आपको सेमीकोलन देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया जिसका नाम है ए, उसका डेटा टाइप मैंने स्पेसिफाई किया जाती है इंटीजर, और उसको एक वैल्यू मैंने असाइन किया That is the 10, ये एक whole number है, आप देख सकते हो integer जो whole number को accept करता है। ठीक है, तो 10 value मैंने यहाँ पे assign की है, और जाके वो assign हुआ किसको? Variable a को। ठीक है, now आप देख सकते हो control structure भी अपने पास various type के आते हैं। तो इस control structure में आपको देखने को मिलेंगे equal statement, ठीक है, इनका ladder भी हो सकता है, इसे simple if else भी हो सकता है, या फिर simply if भी हो सकता है। ठीक है, if हो सकता है, if else हो सकता है, या फिर if else का ladder भी हो सकता है। ठीक है, अब इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा इफ एल्स स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट में आपको देखने को मिलेगा फॉर लूप, व्हाइल लूप, टू व्हाइल लूप, ब्रांचिंग में आपको देखने को मिलेगा स्विच केस। ठीक है,
यहाँ पे स्विच किया जाता है किसी पर्टिकुलर केस की तरफ, मतलब एक स्विच जो है रखा जाता है, मतलब एक वेरिएबल रहता है जो किसी वैल्यू को होल्ड करता है, अगर वो वैल्यू केस की वैल्यू से मैच करती है तो वो पर्टिकुलर केस को एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। ऑल ऑफ दिस आर यूज फॉर द डिसीजन मेकिंग, तो इफ एल्स जो है डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है, स्विच केस पे डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि इटरेशन के लिए हम लूप्स का यूज करते हैं, इटरेशन का मतलब होता है किसी चीज को बार बार रिपीट करना, यहाँ पे हम लूप्स का यूज करते हैं। तो वहां पे हमारे पास तीन लूप है, एक फॉर लूप, सेकंड है वाइल लूप और थर्ड है हमारे पास डू वाइल लूप, ये आप देख सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक ही काम बार बार किया, दैट इज द प्रिंटिंग, प्रिंटिंग का काम किया मैंने और यहाँ पे एक ही नंबर को बार बार प्रिंट किया। अब यही काम मैं बार बार करने से अच्छा मैं सिंपली आप इसमें लूप का यूज करता हूँ, जिसमें मेरे पास तीन लूप है जो कि हम देखेंगे लूपिंग स्टेटमेंट में। देन आफ्टर दैट हम देख रहे हैं मॉडिफायर्स, मॉडिफायर्स का मतलब होता है वो जो किसी चीज को मॉडिफाई करते हैं। तो ऐसे अपने पास तीन मॉडिफायर, दो मॉडिफायर है, एक है एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस मतलब आप उस चीज को कितना एक्सेस कर पाते हो, आप उस चीज को कितना यूज कर पाते हो, ठीक है, क्या वो पब्लिक है, क्या वो प्राइवेट है, क्या वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है। प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और पब्लिक, जैसे कुछ पब्लिक स्टैचू होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं, जैसे कुछ आपके सार्वजनिक प्लेसेस होते हैं वहां पे स्टैचू होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं, मतलब पब्लिक लोग तो उसे एक्सेस कर ही पाते हैं, प्राइवेट लोग भी कर पाते हैं, लेकिन उसे पब्लिक लोग जो है और प्राइवेट लोग जो है डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर पाते हैं, ऐसे प्रोटेक्टेड आते हैं। प्राइवेट, प्राइवेट वो चीज होती है जिसे बाहर का बंदा एक्सेस नहीं कर सकता है, पब्लिक वो चीज होती है जो सबके लिए अवेलेबल है, जैसे सार्वजनिक नल आपने देखे होंगे, उस नल का पानी कोई भी पी सकता है, वो पब्लिकली अवेलेबल है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे जो है अदर मॉडिफायर्स आपको देखने को मिलेंगे जिसमें इंक्लूड किया गया फाइनल को और स्टैटिक को, ये दो कीवर्ड क्या होते हैं वो हम बाद में देखेंगे। हालांकि जावास्क्रिप्ट में हम किसी वेरिएबल को कॉन्स्टेंटली डिफाइन करने के लिए हम कॉन्स्टेंट कीवर्ड का यूज करते थे, वहीं पे जावा में इसी को अचीव करने के लिए हम फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं फाइनल का, ठीक है। तो ये जो है एक्सेस लेवल को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, वेरिएबल्स के बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासेस को लिए यूज किया जाता है, तो क्लासेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को उसको डिफाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये मेथड्स को भी एक्सेस मेथड्स के जो एक्सेस है उसको मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जाता है और वेरिएबल्स के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है दैट इज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ जावा, ये कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप्स, जो कि बहुत ईजी है, ठीक है, ये हम देखते हैं। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ कि सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट किस तरीके से यूज किया जाता है। ये हमारा प्रीवियस एग्जांपल था जो हमने देखे थे, यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट क्लास करके हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट किए, देख सकते हो क्लासेस को डिफाइन करने के लिए हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। फर्स्ट क्लास इज द नेम ऑफ द क्लास, यहाँ पे आपको ये येलो ब्रैकेट देखने को मिलते हैं, स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट, ये इंडिकेट करते हैं कि ये क्लास की बॉडी है। यहाँ पे आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन के बाद आपको ये देखिएगा यहाँ पे आपको राउंड ब्रैकेट देखने को मिलता है, ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि मेन एक मेथड है, पब्लिक इज एन कीवर्ड, स्टैटिक इज ऑल्सो एन कीवर्ड एंड वॉइड इज ऑल्सो एन कीवर्ड। जितने भी कीवर्ड्स होते हैं ना वो बेसिकली यहाँ पे आपको रेड कलर में देखने को मिलते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि ये कीवर्ड है, रिजर्व्ड वर्ड है, इसको आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पे भी हम देखेंगे किस तरीके से वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यहाँ पे लिखा गया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, ये कीवर्ड्स है। मेन इज एन मेथड, मेन एक क्या है, मेथड है। स्ट्रिंग इज एन कीवर्ड, इसे आप यूज नहीं कर सकते अपने दूसरे कामों के लिए, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडिकेट्स एन एरे, आरएक्स जो कि आपको ऑरेंज कलर में देखने को मिलता है हल्का सा, ये इंडिकेट करता है इट्स अ नेम ऑफ अ वेरिएबल, ये एक वेरिएबल का क्या है, नेम है, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आपको ये जो बॉडी देखने को मिलती है ये फंक्शन की बॉडी है, ये फंक्शन की हद इस बॉडी तक ही है, फंक्शन क्या करने वाला है इस बॉडी में डिफाइन किया जाता है। तो चलिए आज के क्लास में हम देखते हैं रूल्स टू डिफाइन अ वेरिएबल, वेरिएबल्स को डिफाइन करने के रूल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जावा में कमेंट्स क्या होते हैं। अगर मुझे सिंगल लाइन कमेंट लिखना है तो मैं यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज करता हूँ, दिस इज एन सिंगल लाइन कमेंट, एक सिंगल लाइन कमेंट है। इसी में मुझे अगर मल्टी लाइन कमेंट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यूज करना पड़ेगा फॉरवर्ड स्लैश देन स्टार, ठीक है, ये मल्टी लाइन कमेंट के लिए यूज किया जाता है, दिस इज एन मल्टी लाइन कमेंट। देखिए ये बहुत बड़ा लाइन मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, चार से पांच लाइन का। ऐसे इसको लिखने के लिए मैं यहाँ पे किसका यूज करता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट का यूज करता हूँ, किसका यूज करता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज करता हूँ। तो मल्टी लाइन कमेंट्स यूज किए जाते हैं किसके लिए, आपको एक से ज्यादा लाइन लिखने के लिए। क्या ये आपके प्रोग्राम को अफेक्ट करता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर इसे आप रन करते हो डायरेक्टली तो आप देख सकते हो आपके आउटपुट में कोई भी फर्क नहीं आता है,
आपका आउटपुट ब्लैंक था क्योंकि आपने यहाँ पे कोई भी लाइन को प्रिंट नहीं किया था, यहाँ पे भी आपको कोई भी लाइन प्रिंट होते देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये कमेंट्स आपके प्रोग्राम को अफेक्ट नहीं करते, ये सिर्फ आपके रीडिंग पर्पज के लिए होते हैं, कंपाइलर इसे इग्नोर करता है। लेकिन आपको बेसिक रूल याद रखना है, सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश, मल्टी लाइन कमेंट के लिए फॉरवर्ड स्लैश के साथ स्टार आपको यूज करना है। दिस इज फॉर द मल्टी लाइन कमेंट, ये किसके लिए? मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए। चलिए इसे हम रिमूव कर देते हैं। अभी हम देखते हैं कि जावा में हम किस तरीके से वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं, किसे डिफाइन कर सकते हैं? वेरिएबल्स को। तो वेरिएबल्स का हम टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो इसके लिए हम थ्योरी देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यही पे हमने बेसिक सिंटैक्स देखा था, अब हम देखेंगे वेरिएबल्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नंबरिंग किस तरीके से की थी, ए से की थी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी वेरिएबल्स। सबसे पहले हम जानते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर वेरिएबल्स को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और क्या रूल्स है जो हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते समय फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए वेरिएबल्स इन जावा आर द कंटेनर्स। कंटेनर्स का मतलब होता है एक बर्तन जिसमें कोई चीज फोल्ड करके रख देते हैं, दैट होल्ड होल्ड्स डेटा। ये कंटेनर्स हैं जो किसी डेटा को क्या करते हैं, फोल्ड करके रखते हैं। ठीक है, अब वो डेटा एक वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ पे मैं अंडरस्कोर में वैल्यू लिख सकता हूँ, डेटा वैल्यू, इसे होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, सेकंड चीज आपको याद रखनी है वेरिएबल्स में, तो यहाँ पे हम इसे प्रॉपरली नंबरिंग करते हैं, वन डॉट सॉरी आई डॉट। और एक रूल आपको याद रखना है वेरिएबल्स, और एक चीज आपको याद रखनी है, दे प्रोवाइड अ वे टू लेबल एंड स्टोर इंफॉर्मेशन दैट कैन बी रेफरेंस्ड एंड मैनिपुलेटेड। ये बहुत बड़ी लाइन है, आप देखेंगे, मैनिपुलेटेड विद इन अ प्रोग्राम। चलो इसका मतलब बताता हूं, वेरिएबल्स क्या करते हैं बेसिकली, जो मेमोरी लोकेशन होती है उसे लेबल करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे अगर आपने देखे होंगे कि किसी भी केमिस्ट के पास अगर आप जाते होंगे, तो वो केमिस्ट बेसिकली क्या करते हैं, अपने पास वेरियस ड्रग्स को रखते हैं। अब वो ड्रग्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कौन से ड्रग कहाँ पे रखे, जैसे आप उनके पास जाते हो, भैया हमें पैरासिटामोल दीजिए, वो पैरासिटामोल उतने सारे ड्रग्स में कहाँ पे ढूंढेंगे, तो वो क्या करते हैं कि उनके पास जो कंपार्टमेंट होता है उसको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में और डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस में उसको डिवाइड करते हैं, और उस बॉक्सेस के अंदर में क्या करते हैं, वो मेडिसिन को रखते हैं, लेकिन बॉक्स के बाहर वो लेबल करके रखते हैं कि ये पी के नाम से स्टार्ट होने वाली मेडिसिन यहाँ पे मिलेंगी, ए के नाम से स्टार्ट होने वाली मेडिसिन वहां पे मिलेंगी। तो सिमिलरली उस तरीके से यहाँ पे मान के चलते कि ये एक मेमोरी लोकेशन है, ये एक मेमोरी लोकेशन है, ये एक मेमोरी लोकेशन है, ये एक मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। ठीक है, अब इसका जो एड्रेस है वो जीरो से स्टार्ट होता है, इसका एड्रेस वन से स्टार्ट होता है, इसका एड्रेस टू से स्टार्ट होता है, इसका एड्रेस थ्री से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब दिक्कत की बात है कि इस एड्रेस में अगर कोई वैल्यू है, सपोज कीजिएगा जीरो वाले में वैल्यू है 10। ठीक है, अब इसे मुझे एक्सेस करनी है, या फिर इस जीरो में मुझे 10 को स्टोर करना है, तो मैं इसे कैसे करूंगा, मुझे तो ये एड्रेस पता होना चाहिए, या फिर मेरी वैल्यू कहाँ पे स्टोर है वो पता होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ वेरिएबल्स का। तो क्या करते हैं, जब वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपरली एक मेमोरी जो है ऑक्यूपाई करवा देती है उनके लिए, उस मेमोरी को एक एड्रेस दे देती है। अब वो एड्रेस तो हमें नहीं पता होता है, तो वो एड्रेस को हम उस वेरिएबल के नाम से जानते हैं, उस एड्रेस को हम किससे जानते हैं, उस वेरिएबल के नाम से जानते हैं। तो वो जो वेरिएबल होता है उस एड्रेस को डायरेक्टली एक्सेस न करते हुए, मतलब उस एड्रेस का डायरेक्टली नाम यूज न करते हुए, उस वेरिएबल को हम कॉल करके उसकी वैल्यू को जो है एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कीजिएगा यहाँ पे पैरासिटामोल पड़ी हुई, और इसका जो एड्रेस स्टार्ट होता है वो पी से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है, पी से। अब मुझे पता है कि पी इसमें पैरासिटामोल है, पी इसमें क्या है, पैरासिटामोल। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे सपोज कीजिएगा सायराडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे सायराडी के लिए हम यहाँ पे सी से लेटर से स्टार्ट करते हैं, मतलब सी में ये सी से स्टार्ट होने वाले मेडिसिन जो है वो प्रेजेंट है। दिस आर द मेमोरी लोकेशंस, इनके एक अलग अलग एड्रेसेस होते हैं जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है उसका नाम है वेरिएबल्स। वेरिएबल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। वेरिएबल्स को
सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था कि प्रोग्रामर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कौन से प्रॉब्लम को? मेमोरी जो लोकेशन होती है उसका एड्रेस क्या है, जो मेमोरी लोकेशन होती है उसका एड्रेस क्या है। सी सी प्लस प्लस में आप तो यहाँ पे स्टार का पॉइंटर के लिए स्टार का यूज कर देते हो, और रेफरेंस के लिए किसका यूज कर सकते हो? एम्परसेंड का यूज करते हो, ठीक है। इसका हम यूज करते थे किसके लिए? मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। खैर, जावा ये सपोर्ट नहीं करता है, डायरेक्टली हम वेरिएबल्स का यहाँ पे यूज करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो प्रोग्राम के बीच में आप उसकी वैल्यू को कभी भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है उसे हम रेफरेंस भी कर सकते हैं, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसे हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। उसे हम क्या कर सकते हैं? मैनिपुलेट मतलब मान के चलिए कि फिलहाल अभी एक ए जो है वो 10 की वैल्यू को होल्ड करके रख रहा है, नेक्स्ट टाइम पे वो ए वेरिएबल जो है वो 20 वैल्यू को होल्ड करके रख रहा है। वही वेरिएबल किस वैल्यू को होल्ड करके रख रहा है? 20। मतलब प्रीवियसली उसकी वैल्यू थी 10, अभी उसकी वैल्यू है 20। हमने यहाँ पे मैनिपुलेशन किया है, इसकी वैल्यू को हमने चेंज किया है, या फिर इसमें मैं मल्टीप्लाई करके 10 को अगर मल्टीप्लाई कर दो और वापस से उसको किसमें स्टोर कर दो? ए में स्टोर कर दो, तो अब ए की वैल्यू हो जाती है 100। कितनी हो जाती है? 100। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं वेरिएबल्स के साथ। ये बेसिक चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी थी, ठीक है, किस तरीके से हम वेरिएबल्स में मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है कि जावा में वेरिएबल के नेम को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। नाउ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल्स इन जावा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, मैंने पहले कहा था जो बेसिक जावा है उसको हम बहुत डिटेल में लेंगे, ठीक है। उसमें थोड़ा 2-4 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। रीजन ये है क्योंकि ये आपको कंप्लीटली आने होना, बेसिक से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, एडवांस की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। बेसिक अगर आपका एक बार पक्का हो गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वेरिएबल्स को डिफाइन करने के रूल्स क्या होते हैं, किस तरीके से मैं वेरिएबल को डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला रूल जो है वेरिएबल्स का वो है वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम आपको क्या करना है, वेरिएबल नेम आपको कैसे रखना है, ठीक है। मतलब वेरिएबल का नामकरण कैसे करना है, आपको कैसे पहचानना है कि ये वेरिएबल को मैं इस तरीके से नाम दूं, ठीक है। तो वेरिएबल के नेम जो है वो मस्ट, तो पहला रूल जो कहलाता है, दे मस्ट स्टार्ट विथ एन अल्फाबेट। वो किससे स्टार्ट होने चाहिए? अल्फाबेट होने चाहिए। अब वो अल्फाबेट आयतर आप पूरे स्मॉल लेटर में ले सकते हो ए टू जेड, या फिर आप पूरे कैपिटल लेटर में ले सकते हो ए टू जेड, या फिर आप कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो। मतलब स्मॉल और कैपिटल लेटर दोनों का आप यूज कर सकते। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जी डॉट, ठीक है। नम ये एक वेरिएबल नेम है, और सेकंड नम ये भी एक वेरिएबल नेम है, बट दोनों में चीज आपको याद रखनी है, ये नम और ये नम दोनों में पढ़ने में सेम होने के बावजूद भी ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को स्पेसिफाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जावा सिर्फ जावा जो है वो स्ट्रिक्टली लैंग्वेज है। तो मतलब यहाँ पे ये नम और ये नम का दोनों का डिफरेंट मीनिंग होता है, ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वेरिएबल नेम जो है वो करेंसी लेटर से भी स्टार्ट किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल डॉलर बी डॉट, दे कैन स्टार्ट विथ डॉलर साइन, और डॉलर साइन से आप उसको क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। या फिर अगर आप अल्फाबेट से स्टार्ट नहीं करना चाहते हो, तो इसके अलावा हम ऐसा दूसरा क्या यूज करें जिससे हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आपको अल्फाबेट से स्टार्ट नहीं करना है तो उसका अल्टरनेटिव है, आप यहाँ पे एक तो आप डॉलर यूज कर सकते हो, और अंडरस्कोर से भी आप उसे स्टार्ट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। आप आइदर अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो या फिर आप डॉलर का यूज कर सकते हो। डॉलर और अंडरस्कोर को जनरली यूज किया जाता है वेरिएबल को डिक्लेरेशन के लिए, ठीक है। अब इसका यूज हमें कहाँ पे करना है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ए डॉट जी डॉट, जिससे डॉलर नम एक वैलिड है, या फिर अंडरस्कोर नम ये भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है, ये आपको याद रखना है। दीज आर द वैलिड वेरिएबल नेम। सेकंड चीज आपको याद रख सॉरी थर्ड चीज आपको याद रखनी है, वेरिएबल्स वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ये नम और नम, ठीक है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है जो आप केस यूज करते हो उसको डिफाइन करने के लिए, कि अमल केस सॉरी आपका अपर केस या लोअर केस यूज करते हो, स्मॉल कैप या
नमस्कार। तो वहां पे आपको दिक्कत ये देती है कि अगर आप सेम नेम से डिफाइन करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हाय इस तरीके से और हाय, दोनों पढ़ने में हाय है, ठीक है, एग्जांपल के लिए ए डॉट जी डॉट, तो यहाँ पे ये हाय और ये हाय दीज आर द टू डिफरेंट वेरिएबल, क्योंकि जावा में ये जो वेरिएबल के नेम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। कैसे होते हैं? केस सेंसिटिव, जिसके वजह से ये हाय और ये हाय दोनों का डिफरेंट मतलब बनता है। दोनों का क्या बनता है? एक डिफरेंट मतलब बनता है। इसका और एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, इस तरीके से सपोज कीजिएगा माय वेरिएबल, ये एक वेरिएबल है एंड माय वार, ये एक वेरिएबल है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पहला लेटर जो है वो स्टार्ट हो रहा है स्मॉल कैप से और यहाँ पे पहला लेटर जो स्टार्ट हो रहा है लार्ज कैप से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसके वजह से होता है क्या है कि यहाँ पे आपकी दो वेरिएबल का डिफरेंट मीनिंग बनता है। ये दोनों वेरिएबल अब डिफरेंट है, पढ़ने में दोनों माय वेर ही है, ठीक है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज को होल्ड कर सकते, सेम वैल्यूज को भी होल्ड कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन इनका जो मेमोरी एड्रेस रहेगा वो कैसा रहेगा? डिफरेंट रहेगा, ठीक है। दिस आर द डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है। अब आपको सेकंड चीज याद रखनी है वेरिएबल्स के नेम को डिफाइन करते टाइम, ठीक है, जावा कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर द स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो रिजर्व किए जाते हैं जावा के लिए, मतलब जावा जो है अपनी चीजों को पहचानने के लिए इन कीवर्ड्स का यूज करता है। तो इन कीवर्ड्स का आप यूज नहीं कर सकते वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। जैसे कीवर्ड्स लाइक इंट, इसे आप यूज नहीं कर सकते वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। सेकंड है क्लास, इसे भी यूज करने के लिए आप यूज नहीं कर सकते वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। एक है पब्लिक, इसका भी आप यूज नहीं कर सकते हैं एटीसी, ठीक है, और भी बहुत सारे, हम पूरे वर्ड्स को हम कंपेयर नहीं करेंगे। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका आप यूज नहीं कर सकते वेरिएबल को डिपेंड करने के लिए, मतलब वेरिएबल के नेम इनसे स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चीज रखनी है, वेरिएबल के नेम इनसे स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, ये स्पेशल रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जो यूज किए जाते हैं जावा में, ठीक है। सेकंड और सॉरी थर्ड पॉइंट आपको देखना है, नेमिंग कन्वेंशंस, ठीक है, किस तरीके से हम इनका नामकरण करें प्रॉपरली। जनरली इसमें हम यूज करते हैं वी यूज मीनिंगफुल नेम्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक ऐसा डेटा है जहां पे वो इंडिकेट करता है टोटल सेल, यहाँ पे आप टोटल सेल्स भी लिख सकते हो, ये एक प्रॉपर नेम है, ठीक है, जो इंडिकेट करता है कि टोटल सेल आपकी हो चुकी है इतनी, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको शॉर्ट में कर देते हैं टीएस, इस तरीके से टोटल सेल। अभी नेक्स्ट टाइम क्या होता है, जब आप इसको रीड करते हो तो ये कंफ्यूजन होता है कि ये टी और एस एक्चुअली है क्या। अब यहाँ पे मुझे क्लियरली मेंशन तो समझ में आ रहा है कि ये टोटल सेल है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये क्या है ये मुझे पता नहीं है। अब यहाँ पे बीच में टीसीएस आ गया तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस भी हो सकता है, मतलब बदल सकता है इसका। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे टीसीएस, ठीक है, ये जो है इसके अलग अलग मतलब निकलते हैं, तो वेरिएबल के नेम जो है आपके प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। ये जो तरीका है वो रॉन्ग है, मैं ये नहीं कहूंगा गलत है, बट ये प्रॉपरली नेमिंग कन्वेंशन नहीं है, ठीक है। ये जो तरीका है ये वैलिड है, इसे रॉन्ग की जगह इनवैलिड कहेंगे हम, ठीक। आप बताया, लेकिन जब सामने वाला आपका कोड रीड करता है ना, उसे समझ में कंफ्यूजन हो जाती है कि टीएस किस काम के लिए यूज किया जा रहा है, ये वेरिएबल का मतलब समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो एक सेकंड रूल भी है जहाँ पे आपको इसमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, वो इस तरीके से, फॉलो कैमल केस, किसे फॉलो करना है, कैमल केस को, ठीक है। कैमल केस जनरली स्टार्ट विथ लोअर केस एंड कैपिटलाइज सबसिक्वेंट वर्ड, तो उसके बाद का जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो कैपिटलाइज लेटर में होता है। इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल है ई डॉट जी डॉट, इस तरीके से, ठीक है। तो एग्जांपल में हम लिखेंगे नम ऑफ
स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, नम जो है वो इनिशियली स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ है, जो नेक्स्ट लेटर है उसका सॉरी नेक्स्ट वर्ड जो उसका पहला वर्ड है वो ओ दैट इज द कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद का जो नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स उसका जो पहला लेटर है वो भी किससे स्टार्ट हुआ है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है। तो इस तरीके से आप वेरिएबल के नेम को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वेरिएबल फोर्थ पॉइंट, वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब वेरिएबल को किस तरीके से डिक्लेयर किया जाए, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका इस तरीके से होता है, ठीक है, बेसिक रूल जो कहलाया जाता है। सबसे पहले आपको डेटा टाइप मेंशन करना है, किस टाइप का डेटा वो वेरिएबल होल्ड करने वाला है। सेकंड आपका वेरिएबल नेम आने वाला है, एंड इक्वल टू ऑपरेटर नहीं, असाइनमेंट ऑपरेटर है, और इसके बाद हम यूज करेंगे यहाँ पे वैल्यू, हम यहाँ पे वैल्यू ऐड करने वाले हैं, क्या ऐड करने वाले हैं, वैल्यू इस तरीके से, एंड देन आफ्टर दैट सेमीकोलन। ये एक प्रॉपर तरीका होता है वेरिएबल को डिफाइन करने का, हालांकि जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से वेरिएबल को डिफाइन करें, आप उसकी वैल्यू जो है बाद में भी आप असाइन कर सकते हो। इसका एक एग्जांपल लिखते हैं, ई डॉट जी डॉट, ठीक है, इंट टोटल स्टूडेंट्स, ये मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, इक्वल्स टू 120, मतलब एक कॉलेज जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 120। ये एक प्रॉपर तरीका होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन का। सबसे पहले रूल आपको याद रखना है, सबसे पहले आएगा डेटा टाइप जो हमने यहाँ पे मेंशन किया, देन आफ्टर दैट वेरिएबल नेम जो हमने यहाँ पे मेंशन किया, एंड देन आफ्टर दैट उसकी वैल्यू जो आप उसमें असाइन करोगे, अगर आपको करना है तो उस टाइम पे, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसे असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम पे अगर आप इस टोटल स्टूडेंट्स की वैल्यू को आपको चेंज करना है तो आपको इंट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने इसको डिक्लेयर कर दिए। तो इस तरीके से वेरिएबल को आप क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंपल सा रूल है, सबसे पहले डेटा टाइप मेंशन कीजिए, देन आफ्टर दैट वेरिएबल नेम मेंशन कीजिए, एंड देन आफ्टर दैट उसकी वैल्यू को आप असाइन कीजिए। तो इस तरीके से आप वेरिएबल डिक्लेरेशन कर सकते हो, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आपको याद रखना है, वेरिएबल का स्कोप क्या है, वेरिएबल स्कोप, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे आगे चल के, ठीक है। वेरिएबल का स्कोप होता है, मतलब वेरिएबल किस हद तक यूज किया जा सकता है, वो क्या इसी पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए अवेलेबल है या सभी लोगों के लिए अवेलेबल है, दैट्स द स्कोप, वेरिएबल का स्कोप जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो एक चीज आपको याद रखनी है, वेरिएबल्स हैव स्कोप, वेरिएबल्स को क्या होती है, स्कोप होती है, विच डिफाइंस देयर एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, तो उसकी एक्सेसिबिलिटी को वो डिफाइन करती है कि ये वेरिएबल कहाँ तक एक्सेस किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक थोड़ी देर में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। एक सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, कुछ वेरिएबल लोकल वेरिएबल होते हैं, सम वेरिएबल्स आर लोकल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड एरिया तक ही सीमित रहता है, ठीक है। एंड सेकंड जो आता है सी, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल, कुछ वेरिएबल कैसे होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का मतलब क्या होता है, लोकल वेरिएबल बेसिकली वो वेरिएबल होते हैं यूज्ड इन द मेथड, लूप के अंदर, सॉरी वो उस मेथड के अंदर ही यूज किए जा सकते हैं या फिर उस पर्टिकुलर लूप के अंदर ही यूज किए जा सकते हैं, उसके बाहर उसका कोई स्कोप नहीं होता है, ठीक है। और कुछ जो है वेरिएबल कैन बी एक्सेस विद इन द ब्लॉक, सम वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस विद इन द ब्लॉक, तो वो किसी ब्लॉक के अंदर ही वो सीमित रहते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ इसके बाद आते हैं आपके इंस्टेंस वेरिएबल, तो यहाँ पे सम वेरिएबल्स आर ग्लोबल वेरिएबल, इसको भी दो कैटेगरी में डाला गया, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं।
तो सेकंड देखते हैं, सम वेरिएबल्स आर इंस्टेंस वेरिएबल। देखो क्लासेस के इंस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए जो वेरिएबल्स अवेलेबल रहते हैं वो सब इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं, जो कि हम देखने वाले भी। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल अगर उसमें से नॉन स्टैटिक वेरिएबल है तो नॉन स्टैटिक। अब ये स्टैटिक क्या होता है, मतलब ये जो वेरिएबल है उसी ब्लॉक के अंदर यूज होंगे, मतलब जब तक इसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते आप उसे यूज नहीं कर सकते इन अ क्लास। तो उसको क्लास में यूज करना है आपको, तो उसको आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। आर एक्सेसिबल विद इन दैट ब्लॉक। नाउ इंस्टेंस को तो वो उस क्लास के अंदर ही यूज किए जा सकते हैं। और आपको थर्ड पॉइंट या फिर डी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, सम वेरिएबल्स जो होते हैं क्लास वेरिएबल होते, कैसे होते हैं क्लास वेरिएबल्स। तो क्लास वेरिएबल जो होते हैं ये स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं। क्लास वेरिएबल्स आर दीज आर स्टैटिक वेरिएबल्स, ये आपको याद रखना है। ये कैसे होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं और ये पूरे के पूरे क्लास में आप कहीं भी इसे यूज कर सकते हो एंड कैन बी यूज्ड विद इन द क्लास। ये क्लास के अंदर आप इसे कभी भी यूज कर सकते हैं, जिसका हम थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब सेकंड चीज आपको याद रखनी है, सिक्स पॉइंट आपको याद रखना है वेरिएबल्स का। ठीक है, सम वेरिएबल्स आर कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स। ये कैसे होते हैं, कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स होते हैं। कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, चेंज नहीं होती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। दिस वेरिएबल्स वैल्यूज चेंज नहीं होती, आपको याद रखना है। वैल्यूज कैन बी डिफाइंड यूजिंग यूज करते हैं। अदर प्रोग्राम लैंग्वेज में कॉन्स्टेंट हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, फाइन करते हैं। तो एक बार आपने किसी वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, अब उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाली। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, ए डॉट जे डॉट एग्जांपल अगर इसका अगर देखना रहा तो देखिए फाइनल इंट एक इंटीग्रल वेरिएबल हम लेते हैं मैक्स वैल्यू इस तरीके से। ठीक है, इक्वल्स टू 100। मैक्सिमम वैल्यू किसी वेरिएबल ये मैक्स वैल्यू जो है किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में जो यूज किया जा रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो रहेंगी वो कितनी रहेंगी, 100 रहेगी, आपको याद रखना है। अब इस वैल्यू को अगर मैं चेंज करना चाहूँ आगे चलकर, जैसे मैक्स वैल्यू इक्वल टू 101 करना चाहूँ, वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मैंने इस वेरिएबल को ऐसे क्या डिफाइन किया है, फाइनल डिफाइन किया है। तो फाइनल का मतलब होता है इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होंगी। और लास्ट पॉइंट इसका जो हमें देखना है वो है सेवंथ पॉइंट जो आपको याद रखना है। ठीक है, टाइप कॉम्पैटिबिलिटी। टाइप कॉम्पैटिबिलिटी, क्या एक टाइप दूसरे टाइप को सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स मस्ट बी असाइंड वैल्यूज कॉम्पैटिबल होनी चाहिए। कॉम्पैटिबल विथ देयर डिक्लेयर डेटा टाइप्स। इसका मतलब क्या है, जब भी आप कोई वेरिएबल को डिफाइन कर टाइप से मैच होनी चाहिए। सिंपल ए डॉट जी डॉट, ठीक है, अगर आप इंट ए इक्वल्स टू जे मैं कर रहा हूं,
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जे एक क्या है, लेटर है, और ये सिंगल कोट्स के अंदर डिफाइन किया गया दैट इज द कैरेक्टर, और यहाँ पे मैंने इसका डेटा टाइप क्या डिफाइन किया, इंटीजर। अब एक इंटीजर एक कैरेक्टर को होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है, एक इंटीजर एक कैरेक्टर को होल्ड नहीं कर सकता। यहाँ पे अगर इस तरीके से मैं इसे डिफाइन करता हूँ तो ये लिखने का तरीका जो होता है मेरा गलत होता है, या फिर इसके जगह मैं स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर दूँ, ठीक है, जैसे रोहित सपोज लिखेगा, ठीक है, मैंने यहाँ पर रोहित लिख दिया। अब ये रोहित की वैल्यू से किसे असाइन की गई है, ए को असाइन की गई, और ये ए जो है ये क्या है, वेरिएबल है, और इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। अब इंटीजर वैल्यू तो मैं इस रोहित को असाइन, सॉरी रोहित की स्ट्रिंग वैल्यू जो है इस वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकता हूँ। मतलब इसका जो डेटा टाइप है और इसका जो वैल्यू है वो दोनों का टाइप एक ही होना चाहिए, दोनों का टाइप क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, अदरवाइज वो एक्सेप्टेड नहीं है, बी, ठीक है। तो ऐसे वक्त में आप वेरिएबल की स्ट्रिंग वैल्यू जो है इंटीग्रल वैल्यू में आप असाइन नहीं कर सकते, यू कांट असाइन स्ट्रिंग वैल्यू टू अ इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू का स्ट्रिंग वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग द वेरिएबल। जब भी आप किसी वेरिएबल को जब आप डिफाइन करना चाहते हो उस टाइम पे आपको ये वेरिएबल्स को के रूल को जो है आपको फॉलो करना है, उस टाइम पे आपको क्या करना है, इस वेरिएबल के रूल को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, इसमें किसी को कुछ पूछना है कि बेसिक सिंटैक्स क्या हो, हेलो सर, हाँ बोलिए रोहन, हेलो, हाँ हाँ सर बोलिए ना, ये पूछना, हाँ मुझे ये पूछना था, आज से क्लास थोड़ी मिस हो गई थी मेरी, नहीं क्या वो लिंक ग्रुप में आई ही नहीं, उसका कुछ इश्यू था क्या? पता नहीं रोहन, एग्जैक्टली अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आप कौन से बैच से बिलोंग करते हैं? A2, ओके मैं चेक कर लेता हूँ। सर A10 में भी लिंक नहीं आई है आज। ओके हाँ हाँ, में भी लिंक लेट आई थी। नहीं लिंक तो शेयर की गई है। सर A5 बैच में नहीं आई है। सर आपने क्लास रिकॉर्ड किया नहीं है? हाँ एक मिनट, यहाँ से तो आयुष मैम की तरफ से तो लिंक प्रॉपरली शेयर की गई है। अच्छा मे बी, हाँ ओके ओके, मतलब मैम ने टाइम पे ही लिंक को शेयर किया था, बट कैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से वो मैसेज थोड़ा लेट डिलीवर हुआ है, तो कुछ बैचेस में वो मैसेज लेट डिलीवर होने की वजह से वहाँ पे वो दो बैचेस में 10-44 के आसपास लिंक शेयर की गई, ठीक है, और बाकी सब बैचेस में ये प्रॉपरली 10 बैचेस के ओके कितने मिनट पे शेयर की गई है, एक मिनट, 10:17 पे ही शेयर की गई है। जैसे अपनी 7th बैच है उसमें 10:17 पे ही आया, लेकिन A1 और A2 का दिक्कत ये हो गया कि वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन आई थिंक मैम का लूज हो गया होगा, तो जिसके वजह से वो मैसेज जो है वो 10:44 पे गया है। ओके कोई बात नहीं, वैसे भी ये क्लास रिकॉर्डेड क्लास है, आपको रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएंगे, थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है, ये रीजन है कि हमने जो क्लासेस का टाइमिंग था वो अब 9 से चेंज करके 10:15 कर दिया था। ओके अब इस टॉपिक को इग्नोर करते हैं, अब पूछिए कि यहाँ पे आपको क्या डाउट्स हैं। ये जो मैंने अभी टॉपिक बताया आपको, बेसिक सिंटैक्स और डेटा टाइप्स, देखिए डेटा टाइप्स किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं वो हमने आज नहीं देखा है, हमने सिर्फ उसके रूल्स को देखा है कि वो रूल्स किस तरीके से, ये आपको रूल्स को याद रखना है, ठीक है, अगर इन रूल्स को अगर आप प्रॉपरली याद रखते हो तो आपको आगे चल के हेल्प होगा। तो सिंटैक्स में हमने देखा था कि बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, उसमें कमेंट्स क्या होते हैं, पैकेजेस क्या होते हैं, क्लासेस क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, मेथड्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, और मॉडिफायर्स क्या होते हैं, ये बेसिक हमने यहाँ पे देखा था। उसके बाद हमने देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के लिखने का तरीका क्या है, रूल्स क्या है कि किस तरीके से आप वेरिएबल्स के डिफाइन कर सकते हो। तो हमने वेरिएबल्स में देखा कि वेरिएबल्स जो होते हैं जावा में वो एक कंटेनर होते हैं जो बेसिकली किसी डेटा के वैल्यू को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, अब वो डेटा वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नंबर भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, दे प्रोवाइड अ वे टू लेबल एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन। तो
इंफॉर्मेशन जो होती है उसको स्टोर तो करती है, वो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को लेबल भी करती है। जैसे मान के चलिए आपके घर में एक बर्तन है, बर्तन में आपने चावल रखे, लेकिन वो बर्तन जो है बाहर से पूरा पैक्ड है, आपको अंदर क्या रखा है वो दिख नहीं रहा है, तो आपने उसके ऊपर क्या कर दिया, एक लेबल चिपका दिया और वहां पे लिख दिया कि इसमें चावल है। तो आपको चावल ढूंढने में आसानी होगी, आपको देखना पड़ेगा कि लेबल कहाँ पे लगा है चावल का, उसमें से आप उस चावल को डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। सेम इस तरीके से, उसी तरीके से कंप्यूटर में भी मेमोरी एड्रेस होते हैं, उस मेमोरी एड्रेस में डेटा होता है। अब वो मेमोरी एड्रेस का जो डेटा, सॉरी वो जो डेटा होता है जिस मेमोरी एड्रेस में है वो कंप्यूटर वाला होता है, उसे तो हम नहीं जान सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस वेरिएबल को, जो आपने नाम दिया है, उसको एक वैल्यू को असाइन कर देता है और उस वैल्यू का पास फिर क्या करते हैं, रिट्राइव कर लेते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को आप मैनिपुलेट भी कर सकते हो, इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो। हमेशा याद रखने का मेमोरी एड्रेस जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर का, उसे आप एक्सेस डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस एड्रेस के लिए एक नेम जो है असाइन करते हैं। ठीक है, अब उस असाइन नेम को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो रूल्स में हमने देखा कि किस तरीके से हम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। पहला रूल जो है वेरिएबल नेम का, ये कहला जाता है कि यहाँ पे आपको अल्फाबेट यूज करना है वेरिएबल के नाम में। अब वो आप वेरिएबल का नाम अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आप दोनों अल्फाबेट यूज कर सकते हो, स्मॉल केस और कैपिटल केस का। ठीक है, सेकंड आपने देखा कि वेरिएबल का नेम जो है वो अल्फाबेट के अलावा आप ये दो स्पेशल सिंबल से स्टार्ट कर सकते हो, एक है डॉलर नेम और सेकंड है अंडरस्कोर। डॉलर नेम जैसे डॉलर और एक सेकंड जो है अंडरस्कोर, इसका आप यूज करके वेरिएबल का जो है नेम स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आपको याद रखना वेरिएबल का नेम इनसे स्टार्ट होना चाहिए, एक है डॉलर से और एक सेकंड है और अंडरस्कोर से। क्या वेरिएबल के नेम में हम नंबर का यूज कर सकते हैं? आप नंबर का यूज कर सकते हो, मतलब वेरिएबल के नेम में नंबर का यूज कर सकते हो, लेकिन वेरिएबल का नेम नंबर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो। वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन आप वेरिएबल के नेम में नंबर का यूज कर सकते हो। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे। ठीक है, जैसे देखो कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। वन हाई, ये टोटली इनवैलिड है। ठीक है, ये टोटल कैसा है, इनवैलिड है। सेकंड हाई वन, ये वैलिड है, ये कैसा है, वैलिड। वन हाई क्योंकि ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इनवैलिड है। हाँ, अगर हाँ ये आइदर अंडरस्कोर से स्टार्ट होता या फिर डॉलर से स्टार्ट होता तो इसे हम वैलिड वेरिएबल कहते हैं, लेकिन ये किससे स्टार्ट हो रहा है, नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ये रीजन इसे हम क्या कहेंगे, इनवैलिड कहेंगे। ओके ठीक है, सेकंड हमने देखा कि जावा में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, वो कीवर्ड्स जो है स्पेशल रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जावा खुद यूज करता है उसके लिए। उन कीवर्ड्स को आप यूज नहीं कर सकते हो, किसके लिए, वेरिएबल को डिपेंड करने के लिए। यहाँ पे कीवर्ड्स लाइक इंट, क्लास, पब्लिक, ईटीसी, इनका आप यूज नहीं कर सकते। यू कांट यूज दिस कीवर्ड्स टू डिफाइन अ वेरिएबल। तो वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए आप कीवर्ड, इस कीवर्ड का आप यूज नहीं कर सकते हो। नेमिंग कन्वेंशन, नामकरण करने का तरीका किस तरीके से है। ठीक है, रूल तो पता चल गया, आप करेंगे किस तरीके से। वेरिएबल के नेम मीनिंगफुल होने चाहिए, वेरिएबल के नेम कैसे होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए। आप देख सकते हो वी यूज द मीनिंगफुल नेम्स तो वेरिएबल को डिफाइन करते हैं और वीक सेंस बनाते हैं कि ये वेरिएबल किस काम के लिए किया जा रहा है। जैसे टोटल सेल्स जो है एक वेरिएबल नेम है, ये टोटल इंडिकेट करता है कि टोटल सेल कितनी हो चुकी है, एक वैलिड वेरिएबल नेम है। अगर आप टोटल सेल का टी और एस यूज करते हो, ठीक है, इनिशियल्स के फॉर्म पे, तो ये टोटली गलत तरीका। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसे आप यूज नहीं कर सकते, ये तरीका गलत है, इसे आप यूज कर सकते हो लेकिन गलत तरीका, इनवैलिड। ठीक है, तो ये टी एस आगे चल के मुझे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि ये टी एस एक्चुअली है क्या, ये क्या करता है, ये किस वैल्यू को होल्ड करके रखता है, तो ये थोड़ा मुझे कंफ्यूज करेगा। पर टोटल सेल नाम का अगर मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ तो ये इंडिकेट करता है कि प्रॉपर वेरिएबल नेम है, इसे मैं समझ सकता हूँ कि किस काम के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, याद रखना है। तो नेमिंग कन्वेंशन में ये भी एक रूल है कि आप कैमल केस में भी इसका यूज कर सकते हो। कैमल केस का मतलब होता है कि जो आपका वेरिएबल होता है उसका जो पहला वर्ड होता है, उसका पहला लेटर जो होता है वो आपका स्मॉल केस में रहेगा, सेकंड वर्ड का पहला लेटर आपका कैपिटल लेटर में रहेगा। ठीक है, ऐसे आपको फॉलो करते ना सिक्वेंस को। वेरिएबल डिक्लेरेशन करते टाइम पे आपको याद रखना है कि वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करते हो तो सबसे पहले आप उस वेरिएबल का डेटा टाइप मेंशन करोगे कि वो वेरिएबल किस टाइप के डेटा को होल्ड करने वाला है। देन आफ्टर दैट वेरिएबल नेम आप मेंशन करोगे। इसका रूल तो हमने ऑलरेडी ऊपर देख चुके किस तरीके से वेरिएबल का नेम डिफाइन करते हैं। एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पे इक्वल ऑपरेटर का हम यूज करेंगे, ये असाइनमेंट के लिए हम यूज करते हैं, और इसके अंदर हम वैल्यू असाइन करेंगे। वैल्यू आप कुछ भी असाइन कर सकते हो, नहीं वैल्यू आप वही असाइन करोगे जो उस पर्टिकुलर डेटा टाइप से मैच करें। ठीक है, अब लोग यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर दूंगा, पॉसिबल नहीं,
वो डेटा टाइप से मैच होना चाहिए। अब वेरिएबल का स्कोप हमने देखा कि उस वेरिएबल को हम कहाँ तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ वेरिएबल को बहुत का जो स्कोप होता है वो चेंज होते रहता है। वेरिएबल्स हैव स्कोप विच डिफाइंस देयर एक्सेसिबिलिटी, मतलब उस वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक है। जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में वार और लेट कीवर्ड का दिखा था, लेट का एक स्कोप होता है, वार का स्कोप नहीं होता, आप पूरे फंक्शन में कहीं पे भी यूज कर सकते हो। लेकिन लेट उसको जब आप डिफाइन करते हो तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक में ही उसको आप यूज कर सकते हो, उसके बाहर आप उसे यूज नहीं कर सकते हो। कुछ वेरिएबल जो होते हैं लोकल वेरिएबल होते हैं, ठीक है। ऐसे वेरिएबल जनरली मेथड्स काफी यूज किए जाते हैं, मेथड्स में या फिर लूप्स में यूज किए जाते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में यूज किए जाते हैं, ठीक है। और कुछ वेरिएबल्स जो होते हैं वो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं। अब इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, जब हम क्लासेस को देखेंगे तब हमें क्लियर समझ पाएगा। इंस्टेंस वेरिएबल में कुछ वेरिएबल हमारे आते हैं नॉन स्टैटिक वेरिएबल, मतलब इनको जब आप यूज करते हो तो इनका ऑब्जेक्ट यूज आपको क्रिएट करना पड़ता है, आर एक्सेसिबल विद इन दैट ब्लॉक, उस पर्टिकुलर ब्लॉक में उसे आप एक्सेस कर सकते हो। और एक जो आता है वो क्लास वेरिएबल आता है, मतलब पूरे क्लास में उसे आप यूज कर सकते हो। दीज आर स्टैटिक वेरिएबल्स एंड कैन बी यूज विद इन द क्लास, किसी क्लास के अंदर इसे आप यूज कर सकते हो। सिक्स्थ रूल हमने देखा कि सम वेरिएबल्स आर कांस्टेंट वेरिएबल, कुछ वेरिएबल जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं, मतलब उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे एक आपको एक पता है कि हमारे पास एक पाए है, ठीक है, ये मैथ का एक एक रूल कहना जाता है कि ये कुछ सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय रेडियस, कुछ जो भी रूल है वो आपको बताऊंगा, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.141, ये कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होती, ये कभी चेंज नहीं होती है। अगर ऐसे वेरिएबल को अगर आपको डिफाइन करना है तो ऐसे वक्त यहाँ पे आप किसका यूज करते हो, फाइनल का यूज करते हो। तो कांस्टेंट वेरिएबल किस तरीके से डिफाइन किया जाए, हम यूज करते हैं कीवर्ड फाइनल। फाइनल कीवर्ड हमें बताती है कि ये वेरिएबल अब कैसा है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होंगी। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लूंगा, फाइनल फ्लोट पाई, फाइनल फ्लोट पाई, यहाँ पे मुझे एट द एंड एफ लगाना पड़ेगा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए। वो भी हम देखेंगे कि डेटा टाइप किस तरीके से यूज करना है, उसकी वैल्यू किस तरीके से यूज की जाती है। अभी तो हमने सिर्फ वेरिएबल देखा, इसके बाद हम देखेंगे डेटा टाइप्स, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे टाइप कॉम्पेटिबिलिटी, ठीक है, कि वेरिएबल किस टाइप का जो है डेटा को होल्ड करके रख सकता है। वेरिएबल जो है, जो आपने डेटा टाइप मेंशन किया है उसी टाइप के डेटा को होल्ड करके रख सकता है, वो डिफरेंट टाइप के डेटा को होल्ड करके रख नहीं सकता। तो यहाँ पे ये जो है ये टोटली इनवैलिड है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल है जिसका नाम है ए, और वो वैल्यू होल्ड कर रहा है स्ट्रिंग, जो कि टोटली कैसी है, इनवैलिड है। तो आप स्ट्रिंग वैल्यू जो है इंटीजर वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते, आपको याद रखना है। हाँ, रहा सवाल टाइप कास्टिंग का, वो हम बाद में देखेंगे कि किस तरीके से कास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी प्रश्न है इसमें, हाँ पूछिए। और सर अपना जो जावा का जो एक्सटेंशन है वो हमने डाउनलोड किया है, वो कैसे चेक करें? जावा का जो आपने एक्सटेंशन डाउनलोड किया है वो कैसे चेक करें? सिंपल है, यहाँ पे आपको जो एक्सटेंशंस पे आना है, आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। अगर वो एक्सटेंशन यहाँ पे है तो जावा का एक्सटेंशन है, नहीं है तो फिर नहीं, या तो रिलोड रिक्वायरमेंट है तो मैं भी रिलोड नहीं करूँगा, मुझे पूरा पूरा शट डाउन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएंगी कि आपने कौन से एक्सटेंशन आपने डाउनलोड किए, कौन से एक्सटेंशन आपने डाउनलोड नहीं किए, ये सब वो लिस्ट है जो आपने डाउनलोड करके रखे हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा रहता है इंस्टॉल, आपने कौन से एक्सटेंशन को इंस्टॉल करके रखा है। मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप जो है ब्राउजर पे जाइए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट डाउनलोड कीजिए। कल के वीडियो में आपको मिल जाएगा किस तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट आपको डाउनलोड करना है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। किसी और को कुछ पूछना है? सर वेरिएबल डिफाइन में अंडरस्कोर और डॉलर साइन एक ही साथ यूज कर सकते हैं? हाँ यूज कर सकते हैं ना, आप डॉलर से स्टार्ट कर दो, उसके बाद में आप अंडरस्कोर को यूज करते हो, लेकिन वो टोटली सेंस नहीं बनाएगा किसी भी चीज के लिए। ये हम डॉलर और अंडरस्कोर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आपको किसी इसमें अगर वेरिएबल का यूज करना है तो आइदर आप दोनों में से एक यूज कीजिएगा, दोनों में से एक यूज कीजिएगा, एक तो आप डॉलर का यूज कीजिए या फिर आप अंडरस्कोर का यूज कीजिए, दोनों का यूज करके कोई सेंस नहीं बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डॉलर भी यूज कर रहा हूँ इनिशियल पे और यहाँ पे अंडरस्कोर भी यूज कर रहा हूँ, ये रीडेबल नहीं है। वेरिएबल नेम हमेशा रीडेबल होनी चाहिए, आपको याद रखना है। ठीक है, ये वैलिड है क्योंकि आप डायरेक्टली इनके जो वेरिएबल के नेम जो स्टार्ट कर सकते हो किससे, डॉलर से। जैसे एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए माय नम, यहाँ पे मैंने फर्स्ट जो है वो किससे स्टार्ट किया, यहाँ पे डॉलर से स्टार्ट किया,
सॉरी अपना किससे स्टार्ट किया, अल्फाबेट से स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर यूज किया और यहाँ पे नम कैर्स किए, मतलब दो अल्फाबेट के बीच में, मतलब अल्फाबेट्स के बीच में यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, स्पेशल कैरेक्टर का यूज कर रहा हूँ, दैट्स द अंडरस्कोर, ये भी वैलिड है। अगर मैं इस तरीके से करता हूँ डॉलर माय नम अंडर नम, ये भी वैलिड है, सिर्फ डॉलर, सिर्फ डॉलर रह सकता है यहाँ पे, आप सिंपली डॉलर भी दे सकते हो। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे कहीं तो रिमूव किया, क्या मैंने ये क्या डॉलर नम, ठीक है आप देख सकते हो सिंपली डॉलर नम इसे आप यूज कर सकते हो, या फिर इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, या फिर आप नहीं चाहते हो तो आप सिंपली अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन एक प्रॉपर सेंस बनाता है कि आप इधर दोनों में से एक का यूज कीजिए, अंडरस्कोर जो है आप इस तरीके से यूज करते हो। लेकिन जावा क्या कहता है कि अगर आप देखिए माय नेम इस तरीके से आप जो वेरिएबल डिफाइन करते हो, ठीक है माय अंडरस्कोर नम, इससे बेटर ये चीज है कि आप यहाँ पे ये पहला लेटर जो है स्मॉल केस में लगे पहले वर्ड का, और सेकंड जो नंबर है उसका जो है लेटर इस तरीके से यूज कीजिए, जिसे हम कहते हैं कैमल केस, जिसे हम क्या कहते हैं कैमल केस। ये एक प्रॉपर तरीका है। डॉलर और अंडरस्कोर रेयरली बहुत लोग यूज करते हैं, ठीक है डॉलर और अंडरस्कोर रेयरली बहुत लोग यूज करते हैं नेमिंग कन्वेंशन से, सबको अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है। क्या करते हैं कभी कभी जो टीचर जो होते हैं जो चीज हमें सिखाते हैं हम उसी को एज अ रूल मान के चलते हैं और वही उसको अपना के चलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भैया पहला कैमल केस से ही करना है, कैमल केस से ही करना है, नहीं जरूरी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि आप जब वेरिएबल का नेम डिफाइन करते हो वो रीडेबल होना चाहिए, एक प्रॉपर मीनिंग देना चाहिए। अगर वो मीनिंग नहीं देता है तो फिर आप चाहे आप डॉलर से स्टार्ट कीजिए, अंडरस्कोर से स्टार्ट कीजिए, दोनों से स्टार्ट कीजिए, वो मतलब नहीं रहेगा उस चीज का, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे आपको तकलीफ देगा वो, और कमेंट्स में आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ेगा कि ये वेरिएबल किसका के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए टोटल सेल और टीएस दोनों अलग तरीका है, ठीक है ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। लेकिन अगर नेमिंग कन्वेंशंस के हिसाब से चाहे तो ये वैलिड है और ये कैसा है इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि ये प्रॉपर सेंस नहीं बनाता। कितने लोगों को पता चलेगा कि ये टीएस किस काम के लिए यूज किया है? किसी को भी नहीं। हाँ अब यहाँ पे तो लोग को आराम से पता चल जाएंगे कि ये टोटल सेल्स के लिए यूज किया गया। किसके लिए यूज किया है? टोटल सेल्स के लिए, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? हमें क्लास एंड करनी है अभी दो मिनट में, जल्दी पूछे, किसी को कुछ पूछना है? कल हम देखेंगे, कल का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिख के देता हूँ कि कल हम क्या देखने वाले हैं। यहाँ तक तो हमारा जो है वेरिएबल्स का कंप्लीट हो चुका है, और किसका कंप्लीट हो चुका है? बेसिक सिंटैक्स का। तो यहाँ पे बेसिक सिंटैक्स और डेटा टाइप्स में वेरिएबल्स क्या होते हैं वो हमने देखा है, डेटा टाइप्स का वेरिएबल हमने देखा है। तो डेटा टाइप्स का टॉपिक जो हम कल देखेंगे, ठीक है। तो कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। डेटा टाइप्स, ये तो डेटा टाइप्स, तो यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे एपी और ये रहेगा अपना सी सी डॉट। तो डेटा टाइप्स हम कल देखेंगे जिसमें हम वेरियस टाइप के डेटा टाइप्स देखेंगे, ठीक है, प्रिमिटिव से लेके अलग अलग जो डेटा टाइप्स जावा सपोर्ट करता है वो भी। चलो आप किसी को कुछ पूछना है? हेलो सर, एक मिनट, हाँ पूछे सर। हे ग्रुप नंबर 5 मध्ये लिंक नव्हती आली सर आजच्या क्लासची, तुम्ही ग्रुप नंबर 5 मध्ये आहात का? हां सर। ते इंटरनेट कनेक्शनच्या इश्यूमुळे आहे ते झालं, तो प्रॉब्लेम नाही का? कारण की बाकीच्या ग्रुप मध्ये प्रॉपरली 9, 10, 17 ला लिंक शेअर करण्यात आली आहे। हां सर, ग्रुप नंबर 5 मध्ये लिंक असं नाही आली। सर या क्लास रेकॉर्डिंग का? हो हो, क्लास रेकॉर्डेड आहे, तुम्हाला क्लास रेकॉर्डिंग करायचं। एक्झॅक्ट टाइम काय आहे? क्लासेसचा टाइम याच्यामुळे चेंज करण्यात आला आहे, कारण की नाही का मॉर्निंगला इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी इश्यू असते त्यामुळे, नाही का, आणि त्याच्यानंतर मग नाही का राष्ट्रगीत वगैरे आपलं चालू होते, तर त्याच्यामुळे थोडासा नाही का ते एक्सटेंड होऊन जाते। एक मिनिट,